हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन वीडियो ला रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये दोनों टर्म्स स्टेप डाउन है और हम इसको स्टेप अप में भी यूज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और ये अब स्टेप डाउन से स्टेप अप कर रहा है। और आप देख सकते हैं दो वायर जो नीचे है वो प्राइमरी कॉइल है और सेकेंडरी कॉइल दोनों ट्रांसफार्मर के हमने बीच में पेयर कर दिए हैं। और ये मीटर में आप देख रहे हैं कि कितना एम्पीयर कंज्यूम कर रहा है। और ये स्टेप डाउन वाला ट्रांसफार्मर स्टेप अप कर रहा है और ये स्टेप डाउन वाला स्टेप डाउन कर रहा है। ये वीडियो लाने का मेरा ये मकसद था आपको कि आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि हम घर में रखे हुए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को भी यूज़ करके स्टेप अप कर सकते हैं। एक छोटा सा मेथड है जो आपके सामने देख रहे होंगे, मैं आपको एक बार टेस्ट भी कर देता हूँ ये कितने वोल्टेज आउटपुट कर रहा है। पहले मल्टीमीटर को इसी पे सेट करके वो चेक करेंगे। थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि इसको हमें यूज़ करते हुए हो सकता है कि करंट भी लग सकता है। आप देख सकते दोस्तों 7 या 8 वोल्ट के आसपास ये आउटपुट कर रहा है और एम्पीयर जो कंज्यूम कर रहा है वो आपके सामने देख रहे हो 19 से 20 एम्पीयर का है। और ये हमने घर में ही टेस्ट किया है एक छोटा सा, और ये इन्फॉर्मेशन वीडियो है जो ताकि आपको मिले। और आप देख सकते हैं घरेलू बिजली है जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, एसी वोल्टेज ही आउटपुट कर रहा है और एसी ही इन कर रहा है।